मारपीट के मुकदमे में पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने पर जांच अधिकारी बदलने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पीड़ित परिवार के अली खान निवासी गोहड़ का तला ने बताया कि 8 दिन पूर्व ईद के पर्व पर कुछ लोगों ने रास्ते में उनके साथ मारपीट की थी। वहीं बीजरार थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस थाना बीजरार में दर्ज मारपीट के मुकदमे में पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने पर जांच अधिकारी बदलने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पीड़ित परिवार के अली खान निवासी गोहड़ का तला ने बताया कि 8 दिन पूर्व ईद की पर्व पर वह अपने रिश्तेदार खमीशा के घर पर ईद की दावत में शामिल होकर वापस लौट रहा था। इस बीच रास्ते में उसे जान से मारने की नीयत से अमीन पुत्र रहमान, सिकंदर पुत्र अमीन व मेहरदीन पुत्र अहमद ने उसका रास्ता रोका और लाठियों और लोटे से उस पर कातिलाना हमला कर दिया। बुरी तरह से की गई इस मारपीट में पीड़ित अली खान की दाई आंख जख्मी हो गई। इस दौरान शरीर पर गंभीर चोटें आई। मारपीट के दौरान चीखने चिल्लाने पर कुछ लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और उसे छुड़ाया। ज्ञापन में पीड़ित अली ने बताया कि हमले के बाद उसने बीजरार थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित अली खान ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाते हुए जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसके द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे की जांच अधिकारी बदलने और मामले की जांच किसी दूसरे थाने के उच्च अधिकारी करवाने की मांग की है। मुझे नया नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एसपी साहब से मिलने आए हैं कि मुझे जो बेईमानों ने मुझे मारा है, मेहरदीन वल्द अहमद खान, सिकंदर वल्द अमीर खान, अमीन वल्द रमजान खान, उन्होंने मुझे ये 4-20 करके ऐसे मुझे रास्ता रोक के मुझे हमला किया। मुझे कातिलाना हमला कर रहे थे, मार रहे थे, पूरी उसकी साजिश थी। मैं एसपी साहब से यही अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, उन बेईमानों को पकड़ के अंदर किया जाए। कब का मामला है ये? 5 तारीख है। 5 तारीख को है। आपने थाने रिपोर्ट दर्ज करवाई? 3 साल से मामला ऐसे चल रहा है, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और अभी ये मैं 5 तारीख को मेरी रिपोर्ट, मुझे हमला किया है 4 तारीख और 28 तारीख को भी उन्होंने हमला किया था, लेकिन हम रिपोर्ट दे के आए लेकिन कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई। गोहड़कतला निवासी अली खान ने जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर आरोपियों द्वारा बार बार धमकियां देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ज्ञापन में जांच अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय दिलाने और आरोपियों को खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।